हेलो दोस्तों, आप सब तो मेरे नमस्ते छोटे भाई बहनों, तो ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज की न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई, आज की न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो दोस्तों आज की न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह से। सुबह तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे बज चुके अभी 10। हमने कर लिया नाश्ता पानी, पेट पूजा भी हो गया और लक्ष्मी डाली इधर कपड़े। तो आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी तेज धूप है। धूप तो इतनी तेज महसूस नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो दो तीन दिनों से बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से मतलब यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी। हमें मतलब ऐसे तो हर कहीं पहाड़ों में ठंडी हवा चलता है अगर दो तीन दिनों से बारिश रहे तो। दो तीन दिनों के बारिश से होने की वजह से तो हमारे कपड़े सूखे नहीं, इसलिए आज उनको ठंड हो गई। हाँ वो भी बात सही कि मार्च के महीने में जनवरी वाली ठंड हो गई। वैसे शिमला में तो थोड़ा ठंडा रहता है लेकिन इतना भी नहीं रहता था मार्च के मौसम में जितना भी हो रखा है। तो दो तीन दिनों से कपड़े नहीं सूखे थे तो इनको, तो दो तीन दिनों से कपड़े नहीं सूखे थे इसलिए इनको आज धूप दे रहे हैं क्योंकि धूप आज ही आई है। तो आज का जो यहाँ पे नज़ारा है, जो गांव में मतलब पहाड़ों में जब बारिश होती है काफ़ी टाइम बाद, तो जो उसका नज़ारा होता है पहाड़ों में देखने लायक होता है, कितना साफ है, इतना क्लियर दिखाई देता है, तो नज़ारा मतलब कुछ अलग ही होता है। तो वो मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो आज की ब्लॉगिंग में आप लोग बने रहे और कपड़े कुपड़े तो लक्ष्मी ने डाल दिए, तो देखते हैं अभी आगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आज का मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा है और आज के नज़ारे इतना प्यारा दिखाई दे रहा है बारिश होने के बाद कि जो पहाड़ों में जैसे कि बारिश गिरते काफ़ी टाइम बाद, तो पहाड़ों का नज़ारा कुछ अलग होता है। ये प्यारे प्यारे पहाड़ और इसके साथ ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम हो रखा आज। और ये रहा हमारा लोन जो मौसम है आजकल का, मतलब तो जैसे कि आजकल का मौसम होता है बारिश गिरने से तो हरा भरा हो जाता सारे जगह, तो लोन भी काफ़ी अच्छा हरा भरा हो गया। और ये रहे यहाँ पे छोटा सा फूल का पौधा, तो काफ़ी अच्छी कलियाँ आ गई इसमें और रील है मतलब एक तरह से। तो ये पूरी दीवार पे पूरी बेल फैल रखी है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो बहुत प्यारा लग रहा है जब इसमें न्यू न्यू कलियाँ आ रखी हैं और फूल सारे हरे भरे हो रखे हैं। तो मौसम ही कुछ ऐसा है इस टाइम का जब हरा भरा हर जगह हरा भरा दिखाई देता है और मौसम का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक पेड़ की छटाई, मतलब यहाँ पे जो गांव के लोग हैं जो पड़ोसी यहाँ पे हमारे, तो ये पेड़ की छटाई कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने आरा ला रखा जो पेट्रोल से चलता है, आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ हो रही है इसकी। तो ये कल से मतलब पेड़ की छटाई कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। और ये सामने का जो गाँव दिखाई दे रहा है ये दक्साई है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है गाँव वालों का। और ऊपर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे सारा आर्मी एरिया है ये पूरा, तो यही यहाँ पे पास है जिसका नाम है दक्साई। तो दक्षा है यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है गांव वालों का। तो ये आ रहा की आवाज़ यहाँ पे काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही है इसलिए यहाँ पे तो अभी ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। ओ लंच की तैयारी हो रही है, लक्ष्मी यहाँ पे सब्जी काट रही है। ओहो कद्दू बन रहा है, मेरा फेवरेट, मेरे को तो बहुत पसंद है कद्दू और कद्दू के साथ में चावल, तो काफ़ी मज़ा आएगा कद्दू की सब्जी खाने में। तो आज काफी टाइम बाद बन रहा था कद्दू। अच्छा परसों नहीं बनाया था मैंने, परसों रोटी के साथ बनाया था ना, चावल के साथ आज में जाएगा। अच्छा। तो मिलते हैं अभी लंच में, जो रेडी हो गया और कद्दू की सब्जी के साथ दही खाने का मन था लेकिन दही तो प्रॉपर जमीनी, ये कुछ ऐसी रह गया, ठंड हो गया ना इसलिए तो जमीनी दही। तो अभी करते हैं लंच लुंच और देख। तो गाइस खाना खुना भी हमने खा लिया और अभी धूप में बैठी, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है इसलिए बाहर बैठ गए धूप में। तो आप लोग ना वीडियो को स्किप करके देखते हो तो इसलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें पूरा दिन लग जाता है, पूरे दिन भर की मेहनत होती है जो कि आप लोगों को दिखाई जाती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में जो, तो आप लोग उसे पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आधा छोड़ के चले जाते हो या फिर स्किप करके देखते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैंने कपड़ा उठा कर लेके आ रही हूँ क्योंकि बाहर तो मौसम ख़राब हो गया, मतलब ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, शाम का टाइम भी हो गया, मिस्टर जी गए हैं दुकान में, तो मैंने कहा तब तक मैं कपड़े कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर खाने बनाने का टाइम हो गया, फिर खाना खुना बनाते हैं और इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, टाटा।